नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेटिजन ट्यूटर पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHSL मीन्स अटेंडेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी इधर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, UPSSC, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका CHSL मेंस का जो एग्ज़ाम था वो 26 जून को कंडक्ट करवाया गया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपके जो CHSL मेंस में जो अटेंडेंस है वो कितनी देखने को मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस है 70% के अप्रॉक्स यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है SSC CHSL मेंस एग्ज़ाम में। साथ ही नेक्स्टली अगर हम बात करें दोस्तों आपकी आंसर की के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो 5 जुलाई से पहले पहले आपकी आउट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विद इन 10 डेज आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। नेक्स्टली अगर हम बात करें दोस्तों सेफ स्कोर के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं फ़िलहाल अभी जो अटेम्प्ट से वो काफ़ी अच्छे रहे हैं कैंडिडेट्स के, बट दूसरी तरफ जो आपका टाइपिंग का टेस्ट था, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर टाइपिंग में जो कीबोर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा है, वो अपने अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे बता रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर टाइपिंग की वजह से उनका जो सेकेंड जो टेस्ट था आपका स्किल टेस्ट का वो अच्छा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो आपके की स्ट्रोक थे, जो कि आपके टोटल 1750 की स्ट्रोक्स आपको टाइप करने थे, बट कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने की स्ट्रोक्स पूरे नहीं कर पाए हैं। तो अब यहाँ पर फ़िलहाल जो सेफ स्कोर है दोस्तों वो आपका पूरा डिपेंड करता है स्किल टेस्ट के ऊपर। अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर अच्छा होगा, बट अगर वो कंप्यूटर और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ का दोस्तों जो पूरा आपका एनालिसिस है वो आंसर की के बाद ही लगाया जा सकता है, बिकॉज अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि उनके 110 अटेम्प्ट्स हैं या फिर 115 अटेम्प्ट्स भी हैं काफ़ी सारे बच्चों के। बट यहाँ पर दोस्तों जो मेन थिंग है वो है आपकी एक्यूरेसी। जितनी आपने एक्यूरेसी मेंटेन की होगी उतना अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इस कट ऑफ के बारे में कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही आपकी आंसर की आती है उसके बाद दोस्तों हम कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको जो आंसर की है वो 5 जुलाई से पहले पहले किसी भी दिन देखने को मिल सकती है, और जैसे ही आपकी आंसर की जारी होगी हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।